नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। हरियाणा के करनाल में जेबीडी कल्याण समाज समिति की ओर से रघुनाथ मंदिर रोड पर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने इस सड़क को हरा भरा बनाने का भी संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति चलाई गई इस पहल का शुभारंभ करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा पूजा अर्चना के साथ पौधारोपण कर किया गया। इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम के नव नियुक्त कमिश्नर निशांत कुमार यादव भी मौजूद रहे। निशांत कुमार यादव ने कहा कि नगर निगम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। उसी के अंतर्गत यह जो कार्य जेबीडी समाज कल्याण समिति द्वारा किया जा रहा है उसी मुहिम का हिस्सा है। करनाल में रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि करनाल को हरा भरा, साफ सुथरा एवं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जेबीडी कल्याण समिति विशेष योगदान दे रही है। उसी कड़ी में आज इरोड से रघुनाथ मंदिर तक की सड़क को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी जेबीडी समाज कल्याण समिति द्वारा ही दी गई है। इस मौके पर जेबीडी समाज कल्याण समिति के चेयरमैन भारत भूषण कपूर, नवीन कपूर, एमसी ईश गुलाटी, शहरी मंडल अध्यक्ष प्रवीण लाठर, शेखावत सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। किसी भी शहर में कोई भी नगर निगम हो, जब तक उसको नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो सफाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरी सभी नागरिकों से यही करबद्ध प्रार्थना है कि जो नगर निगम के द्वारा दिए गए डस्ट बिन्स हैं, अब प्रेस्क्राइब जो लोकेशंस हैं वहीं पे अपना कचरा डालें। और विशेष रूप से जो पॉलिथीन है, सिंगल यूज पॉलिथीन है, हमने बीड़ा उठाया है कि 2 अक्टूबर से पहले उसको, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील थी, पूरे करनाल को उससे मुक्त कर देंगे। उस अभियान में हम बड़े आगे, बड़े जोर जोर से बढ़ भी रहे हैं। पूरे करनाल से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि सिंगल यूज पॉलिथीन को बिल्कुल यूज इस्तेमाल ना करें और 2 अक्टूबर से पहले पहले हम पूरे शहर को पॉलिथीन मुक्त कर दें। गरीब कन्याओं की शादियां की जाती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, बच्चों को वर्दियां दी जाती हैं, साइकिलें दी जाती हैं। और अभी रिसेंटली 30 जून से हमारा आपकी रसोई के नाम से भी एक कार्यक्रम चालू किया है। हर रविवार को हम सुबह 9 से 11 बजे तक शहर में कहीं भी किसी भी स्थान पर जो है लगभग 1500 के आसपास लोगों को पौष्टिक नाश्ता 10 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो करनाल को एक ग्रीन सिटी के नाम से एक नाम दिया गया है और स्मार्ट सिटी के उसमें आई गया करनाल हमारा, जिसके लिए हमारा निगम जो है उसको बधाई के पात्र है। हमारे नगर निगम के कमिश्नर श्री निशांत यादव जी हमारे साथ हैं, करनाल के नगर निगम के हमारे महापौर श्रीमती रेणुका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, हमारे 13 वार्ड के पार्षद श्री गुलाटी जी हमारे साथ हैं। और आज जो हमने ठंडी सड़क को लगभग 5 साल के लिए जो हमें उसका दिया गया है, वहाँ पे लगभग 18 से 20 हज़ार पौधे लग रहे हैं, 12 हज़ार लग चुके हैं, बाकी लगने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में ये रघुनाथ मंदिर से हंसी चौक तक लगभग 5 हज़ार पौधे हैं, उनका JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।